नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सचिन पायलट की। इस वक्त राहुल गांधी की जो यात्रा है वो राजस्थान तक पहुंच गई, लेकिन आपको बता दें कि सचिन पायलट राहुल गांधी की तारीफों के जो पुल हैं उन्हें बांधने से रुक नहीं रहे। बिल्कुल, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी की तारीफ ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से यात्राओं पे निकले, उन्होंने एक इतिहास रच दिया है, एक रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन उनकी इस यात्रा से बीजेपी कितनी चिंतित हो चुकी है ये भी समझ आ रहा है। उनका ये कहना है कि राजस्थान में जहाँ बीजेपी अपना मौका देख रही थी, हमारे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से वो चिंतित हो चुकी है। कहीं ना कहीं उनका जो साइड है, जो उनका यहाँ पर एक सरकार है, वो थोड़ी सी साइड हो जाएगी। जो उनका एक यहाँ पर एक मोड़ चल रहा है इस भारत को लेकर, वो कहीं ना कहीं साइड हो जाएगा और कांग्रेस फिर से निखर कर बाहर आएगी। तो यहाँ पर एक वीडियो के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने किस तरह का इतिहास रचा है भारत जोड़ो यात्रा से, और किस तरह से सचिन पायलट राहुल गांधी को लेकर क्या कहते हैं। देखिए वीडियो। पैदल चलकर रोज के 30 किलोमीटर चल रहे हैं, तो अपने आप में लोग उसका अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और अपने आप को उस यात्रा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दो साल में 100 दिन पूरे करने की यात्रा स्पेशल कार्यक्रम रखा गया, आपको दो साल से बिलोंग करते हैं, क्या किस तरह का यात्रा का सफर? 100 दिन लगातार चले हैं, इतिहास कायम हुआ है और पूरे देश में, खासकर हमारे जो विरोधी भाजपा के साथी हैं, बहुत विचलित हैं, परेशान हैं कि इतनी जनता जुड़ कैसे रही है। वो मीडिया में रोज़ नहीं छपता हो, लेकिन जिस गली मोहल्ले से निकल रहे हैं वहाँ लोग जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, किसान, पूर्व सैनिक, नौजवान, महिलाएँ, सब लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनकी बात सुनकर समस्या का समाधान निकालने की ओर वो काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी सकारात्मक बात कर रहे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, वो किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। ये तो एक पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन एक देश को, समाज को जोड़ने की, और जो आक्रोश पैदा हुआ है समाज में, जो कड़वाहट पैदा हुई है, उस कड़वाहट को निकाल कर लोगों को साथ जोड़ने की मुहिम है। इसमें ना सिर्फ कांग्रेस, लेकिन सब उस विचारधारा के लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा से।